चप्पल चाहता जो कि भाई अभी चावल उबल बढ़िया से धो रहे हैं। चूल्हा तो भाई बढ़िया काम यही है गाइस, भाई जो अरहर दिख रहा ना इसको भैया बढ़िया से इस डंडे से पीटना है, ऐसे 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 पीटना है जो कि अभी दुकान बंद है, तो मेरा दुकान खुलेगा भाई 3 से 4 बजे के बीच। जय श्री राम दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो अभी मॉर्निंग के बज रहा है 10, तो अभी सुबह से रंबल चाचा बैठे हैं साथे में, बातचीत चल रहा था कुछ इनके शरीर में हुआ है तकलीफ, क्या पूरा दर्द है शरीर में पेट में, दर्द इस वजह से है क्योंकि भाई ये करते हैं बहुत नशा वो भी गांजे का। अब बीड़ी तो बंद कर दिए हैं तो अब आ गए हैं गांजा पीने में, तो भाई सुबह से समझा रहा था कि गांजा जब मत पिया करो नुकसान है, तो बोलते हैं ठीक बोलते हो बात तो मान लेते हैं, लेकिन फिर से जब कोई आता है घर में बैठता है ना तो फिर से भाई काम गांजा वाला चालू कर देते हैं। जय श्री राम बोल दो कक्का एक बार। जय श्री राम। पहले से कुछ ठीक है कि नहीं है? आज है दिन है शुक्रवार, तो आज क्या है कि आज मुझे जाना था मार्केट सामान लेने के लिए, क्योंकि भाई दुकान का सामान बहुत सा सामान घटा उठा है, तारीख है 2 तारीख और आज है शुक्रवार, तो भाई आज मार्केट बंद रहता है हमारे एरिया का, लेकिन हो गया आज तो नहीं जाऊंगा, जाऊंगा कल शनिवार को सामान वामान ले जाऊंगा। बाकी तो भाई पुराने वाले घर में है काम, बहुत काम है, तो सोच रहा हूँ कि दुकान बंद करके आज चला जाऊँ, और दुकान तो भाई बंद होता है 12:30 बजे करीब, तो आज मैं 10:30 बजे करीब दुकान को बंद करके चला जाऊँगा काम करने के लिए। तो इनको बोल रहा हूँ कि चलो मेरे साथ कुछ काम करवा देना, लेकिन इनको भी भाई तबीयत है ख़राब, देख रहा हूँ देख रहा हूँ सर नीचे कर लिया काम बताया सर नीचे कर लिया, क्योंकि भाई इनके शरीर में भी एनर्जी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भाई नशा करके भाई कक्का हो गए हैं ख़त्म ना कक्का, अब आज के बाद नशा वशा मत करना ठीक ना। तो भाई रंबल चाचा चल दिए अपने घर, टाइम भी हो गया 10:30, अब बाकी तो भाई सामान वामान दुकान का जो बाहर था उसको रख दिया हूँ अंदर, बाकी कुर्सी वर्सी रख दिया यहाँ पास, अब बिना देरी किए हुए अब चलता हूँ काम पे, क्योंकि भाई जैसे जैसे समय बीतता जाता है ना तो वैसे वैसे धूप भी बढ़ता जाता है, इसलिए भाई सोचा कि भाई आज जल्दी दुकान बंद करते हैं और जो है काम वाम उसको भाई जल्दी से ख़त्म करते हैं, और वही 12:30 बजे काम में लगता ना तो धूप बहुत ज़्यादा हो जाता है, अब इस काम में लगूँगा तो 1-2 बजे तक काम करूँगा, उसके बाद भाई फिर चला जाऊँगा घर। तो आ गया हूँ अपने घर में, पुराने वाला घर पे जहाँ पे मुझे काम करना है, तो बाकी तो देख रहा होगा इसलिए लेके आया हूँ पानी, और वैसे तो सुबह पानी लेके आया था जब दुकान खोला था, तो डब्बा तो भाई पूरा भरा था, अब बचा है आधा, तो आधा भी ख़त्म हो जाएगा 1-2 घंटे के अंदर में 12 बजे तक में। अब बाकी तो गाइस इधर देख रहे हो इतना सारे अरहर का जो है ना अरहर का पूरा भाई इतने पीट पीट का अरहर का जो लकड़ियाँ है इसमें दाने नहीं हैं, पूरा ये झड़ चुका है, अब काम क्या है वो दिखाता हूँ अभी। तो काम यही है गाइस, भाई जो अरहर दिख रहा ना इसको भैया बढ़िया से इस डंडे से पीटना है, ऐसे 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 पीटना है, पीटने से क्या होगा कि जो दाना लगा हुआ है इसमें इस फल में ये पूरा झड़ जाएगा, तो इसी को अच्छा तरह से ऐसे पीटना है। तो गाइस आज का काम हुआ ख़त्म, टाइम बच गए दोपहर के 1 बज चुका है, अब भाई पीटते पीटते मैंने पीटा कितना सारा तो दिखाता हूँ अभी, ये जो दिख रहा है ना ये तो इतना सारा आटे की तरह बढ़िया से पिटाई उटाई करके तो बढ़िया भूसा की तरह हो चुका है, अब बाकी तो गाइस आज का काम हुआ ख़त्म, अब मेरे तो भाई हाथ में 2 छाले भी निकल गए, तो ये रहा छाला दिख रहा होगा यहाँ पास ये वाइट कलर का, तो भाई अभी तो वैसे दर्द तो नहीं कर रहा, बाकी जो कलाई है ना बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है। अब बाकी तो गाइस अभी 1 दिन का काम नहीं है, अभी इसमें 2 से 3 दिन का समय लगने वाला है, तो ठीक है तो गाइस अब चलता हूँ घर, अब भूख भी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है, धूप भी बहुत ज़्यादा है, तो आज करने की हिम्मत भी नहीं हो रहा भाई, लगातार 2-3 घंटे तक पीटता ही रह गया अरहर को, तो चलता हूँ घर। तो घर में तो आ गया गाइस, तो आज पानी भरा हुआ है टंकी एकदम देख रहे हो इधर, और पानी अभी चल रहा था घर के अंदर, जैसे आया पीछे तरफ टंकी की तरफ तो पानी हो गया बंद, और वैसे तो पानी चलता है सुबह 7:30 बजे, तो अभी टाइम हो रहे हैं 1 बज रहा है, तो आज पानी चला है घर का 1, और पानी तो भाई अभी गर्मा गर्म होगा ना क्योंकि भाई अभी चला है, तो ठीक है भाई तो अभी काफ़ी ज़्यादा थका हूँ, नहा के अपना थकान दूर करता हूँ और खाता पीता हूँ, पहले तो भाई नहा वहा लेता हूँ। तो भाई नहा लिया और नहाते निकल गया अपना खाना, तो खाने में चावल दाल और पालक की सब्जी, तो पालक खरीदा था मैंने कल दुकान में, साइकिल में बेचने वाला आया था एक सब्जी वाला, तो उसी से खरीदा था, तो आज बना है वही पालक, यार अपना खाना वाना
और एक रोटी भी ले लिया हूँ, सुबह का था गर्मा गर्म, उसको गर्म कर लिया हूँ बढ़िया से। बाकी दवाई फिल्म दे रहा कौन सा, सुपर स्टार वीजा के दे रहा सुपर खिलाड़ी 3। तो फिल्म देखते देखते अपना खाना भी ख़त्म करते हैं, तो ठीक है, तो खाता पीता हूँ अब। तो गाइस खाना पीना खाने के बाद वापस से आ गया हूँ अपने खेत बाड़ी में सर्वे करने के लिए। सर्वे करने आया हूँ बंदरों का, क्योंकि भाई बंदर बहुत डेली आते ही रहते हैं 3 से 4 दिन में, तो 3 से 4 दिन तो हो गया। तो बाकी तो भाई ये रहा अपना बाड़ी, तो बाकी तो भाई अभी बंदर तो दिख नहीं रहे हैं। अब बंदरों से डर इसलिए क्योंकि भाई जो मैंने अरहर पीटा था ना उसके जो दाने हैं उसको भाई पूरा लोग खा भी जाते हैं, क्योंकि भाई पूरा झुंड में आते हैं ना, तो वही देखने आया था। ये रहा रंबल चाचा का घर, तो चलता हूँ देखता हूँ कि वो क्या कर रहे हैं। तो ये रहे गाइस रंबल चाचा, जो कि भाई अभी चावल अवल बढ़िया से धो रहे हैं। अब चूल्हा तो भाई बढ़िया जला जल रहा है, और कढ़ाई में बैठाया का चीज़ है, कुछ नहीं है का अदहन। अच्छा ये चावल को धो के डालेंगे उसी में, तो इनका खाना तसली में नहीं बनता, बनाते हैं कढ़ाइया में, जो कि सब्जी बनाया जाता है कढ़ाई में, तो उसी में बनेगा सब्जी। तो सुबह से क्या कर रहे थे, अभी तो अभी बना रहे, 2:11 सोए थे, तो बोल रहे हैं कि भाई मैं सोया था, तबीयत भी ख़राब था ना, सुबह बताया था कि तबीयत ख़राब है, तो इसी की वजह से थोड़ी देर आराम आराम कर रहे थे। तो अभी तो भाई अपना चावल वावल धो रहे हैं, तो इनको बनाते बनाते वही मान लो लग जाएगा अभी 1 से 1.5 घंटे खाना बनाते में लग जाएगा, तो इनका खाना पीना वही होगा 2:30 से 3 बजे के बीच। बताओ सुबह से सोए थे और अभी खाना बना रहे हैं। तो रंबल चाचा के घर से आ चुका हूँ दुकान पे, जो कि अभी दुकान बंद है, तो मेरा दुकान खुलेगा भाई 3 से 4 बजे के बीच में। बाकी तो भाई बंदरों वंदरों का सर्वे हो गया, बंदर तो आए नहीं हुए हैं, नहीं आया है, खतरा तो हट गया बंदरों से। ठीक है तो गाइस अब जाऊँगा घर, 1-2 घंटे कर लूँगा नींद, काफ़ी थका हुआ भी हूँ। तो बाकी तो गाइस आज की वीडियो यहीं तक, वीडियो पसंद तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।